नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगले 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा है कि पहले नौकरियां निकलती थी तो पश्चिमी यूपी के युवाओं को उससे वंचित रखा जाता था, मगर आज यहां के युवा और बेटियां नौकरियां प्राप्त कर रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि शुक्रवार से प्रदेश में पुलिस कर्मियों की 60,000 से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उन्होंने आगाह किया कि किसी ने भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भेजने के साथ ही उसकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों को में बांट दिया जाएगा। इधर पिछली सरकारों में कर्फ्यू झेलने वाले मुजफ्फरनगर को सीएम योगी ने सबसे पहले सुरक्षा का माहौल दिया। यहाँ के गन्ना किसानों का भुगतान कराया, शिक्षा के जरिए युवाओं को स्वावलंबी बनाया तो गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को मदद भी उपलब्ध कराई। शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए मुजफ्फरनगर की समृद्धि में जुटे सीएम योगी ने सिर्फ एक दिन में 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, तो वहीं विभिन्न योजनाओं के पात्रों व एमएसएमई उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर स्वावलंबन से जोड़ा। अगली खबर आ रही है सहारनपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सहारनपुर में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री गुरुवार को पूर्वा पुलिस लाइन पहुंचे। यहाँ हेलीपैड पर उनका स्वागत जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। सीएम योगी ने सबसे पहले पुलिस लाइन में मंत्री, विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जनता और प्रशासन के साथ आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उधर भदरसा कस्बे में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े फरमान के बाद जिला प्रशासन ने घटना के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि व तालाब पर बनाए गए मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात तक आरोपी का आधा साम्राज्य ढहा दिया जाएगा। इससे पहले तहसील प्रशासन की जांच में आरोपी की बेकरी तालाब की भूमि पर पाए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने बेकरी निर्माण इकाई पर बुलडोजर चलवा कर उसे ध्वस्त करा दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश को देश का जीरो पॉवर्टी वाला राज्य बनाने की दिशा में जुटी योगी सरकार प्रदेश के सभी वंचित एवं गरीब तबके को तेजी के साथ सरकारी सुविधाओं से जोड़ रही है। इसमें घुमंतू समुदाय भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घूम घूम कर जीवन यापन करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने लखनऊ के कलंदर खेड़ा में झुग्गी बनाकर निवास करने वाले घुमंतू समुदाय के परिवार को जल्दी बिजली, पानी, आवास आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है। सरकार के निर्णय से घुमंतू समुदाय के नागरिक काफी खुश है। उन्हें उम्मीद है कि सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिकेशन न्यूज़।